प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको सेकंड सेमेस्टर में इस्लामियात की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ जी। तो प्यारे बच्चों, आज हम सबक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के मश्क करेंगे। अल्फाज मायनी वसीयत, मरने के बाद की नसीहत, सादिक सच्चा फ़रोख बेचना, वही खुफिया पैगाम, हमायत साथ देना, पस्त हिलाक बुरे हिलाक, मुनाफे फ़ायदा होना, इंतकाल फोत हो जाना। सवाल जवाब, हल्फुल फजूल क्या है और मायदा की वजह क्या थी। हल्फुल फजूल एक मायदा था जिसके मुताबिक मायदा में शरीक शख्स मुजरिमों की हमायत करेगा और कोई जुर्म ना होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्फुल फजूल में शामिल होकर क्या काम किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलूमों, बेगुनाहों और मासूम लोगों के हक के लिए कोशिशें की। सफर शाम के सफर के दौरान क्या वाक्य पेश आया। वहाँ एक ईसाई बहरा ने आपको पहचान लिया कि आप ही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इस बच्चे में वो तमाम निशानियां मौजूद हैं और आपको यहूदियों के मुल्क में जाने से रोका कि कहीं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान ना पहुंचा दें। गारे हिरा में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या वाकया पेश आया। जी, हज़रत जिब्राइल गारे हिरा में तशरीफ़ लाए और अल्लाह का पैगाम दिए जिसे वही कहते हैं। वही किसे कहते हैं। वही से मुराद छुपी हुई चीज़, यानी कि अल्लाह का खुफिया पैगाम है, यानी कि खुफिया पैगाम है जो फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह अंबिया तक पहुंचाता है। सो प्यारे बच्चों, आज के दिन में आपने तमाम काम साफ लिखाई में लिखना है और याद करना है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।